हम बनाएंगे झटपट सोयाबीन। ये मैं शुरू से दिखाना भूल गई थी। इसमें हमने 1 चम्मच ऑयल डाला और ये सोयाबीन को फ्राई कर लेंगे थोड़ा क्रंची होने तक। अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा फिर आगे बताते हैं। अभी ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है क्योंकि ये बिल्कुल अंदर अपने एब्जॉर्ब कर लेती हैं ऑयल, तो इसलिए सिर्फ 1 स्पून ऑयल डालना है। अब ये हमारी सोयाबीन हो गई हैं फ्राई, अब हम इनको निकाल लेंगे। ये हमने इस बाउल में सोयाबीन निकाल ली है। अब इसमें हम अब 2 चम्मच ऑयल और डालेंगे हम इसमें फ्राई पैन में। ये हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे सरसों, 2-3 दाने सरसों के, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें जीरा। ये अच्छे से जब चटक जाएगा अभी हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग। अभी हम डालेंगे 4-5 कली लहसुन की। इसको ब्राउन होने देंगे। ये मैं इसलिए बना रही हूँ झटपट क्योंकि आज फ्राइडे है और मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था खाने में भी, सिर्फ मुझे ही खाना था, घर में और कोई नहीं है, तो बस इसीलिए सोचा मैं झटपट ये बना के फिर नमाज़ पढ़ती हूँ और बाद में रोटी डाल के खाऊँगी नमाज पढ़ के। इतना ये बन जाएगा। गार्लिक हमारा हो गया, अब हमने ये 2 हरी मिर्च काट के रखी हुई थी तो ये डाल देंगे। एक प्याज काटी हमने, इसको डालेंगे, और मैंने इसका ऐसे करके काटी 4 पीस करके, आप मर्जी चाहे कैसे भी कर सकते हैं। इसको भी हल्का ब्राउन कर लेंगे प्याज। 1 टमाटर चॉप किया हुआ, 2 टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच से थोड़ा कम धनिया। इसे मसालों को ज़्यादा यूज नहीं करना होता, बस लाल मिर्च भी 1/2 चम्मच जितना आप खाना चाहो, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है, थोड़ा हल्दी। इसको अच्छे से ऐसे ही भूनेंगे पहले 2 मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे को इतनी तेज छींक आ रही है कि मिर्च की वजह से। सोयाबीन हमारी ऐसी बिल्कुल खुशक हो चुकी है, ये हमारी पक गई है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे और फिर खाएंगे। अभी ये हमने हरा धनिया इसमें काट के डाल दिया, ये हमारा फाइनल लुक है। ठीक है, खुदा हाफिज़।